गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस क्लासेस में। आज हम क्लास 10 के लिए पहला चैप्टर लेके आए हैं। ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख ले, पिछले वीडियो को, ताकि आपको समझ में आए। अभी हम वास्तविक संख्याएं पर संक्रियाएं टॉपिक को पढ़ रहे हैं, यानी वास्तविक संख्या के साथ हम लोग कौन कौन से काम करते हैं उसको हम लोग जानेंगे। अगर यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्या हो तो पहला कंडीशन, अगर ए के पावर एन हो इंटू ए के पावर एम हो, यानी दो संख्या हो, ठीक है, और दोनों संख्या को मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हो और दोनों का पावर अलग अलग हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों के पावर को ऐड कर देते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला है, अगर ए के पावर एम हो और इन दोनों का पावर एन हो, यानी पावर का पावर हो, तो हम दोनों पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यदि 2 के पावर 3 हो इंटू 2 के पावर 2 हो, तो हम इसको सॉल्व करेंगे 2 के पावर 3 प्लस 2, यानी 2 के पावर 5। ये हमारा आंसर होगा। दूसरे की बात करते हैं, अगर 2 के पावर 3 हो और इसका पावर 2 हो, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, 2 के पावर 3 इंटू 2, यानी 2 के पावर 6 हमारा आंसर होगा। अगले फॉर्मूले की बात करते हैं, 3 नंबर, यदि ए के पावर एम हो अपॉन ए के पावर एन हो, तो हम इसमें एम माइनस एन कर देते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर 2 के पावर 5 हो अपॉन 2 के पावर 3 हो, तो जो हमारा आंसर होगा 2 के पावर 5 माइनस 3, यानी 2 के पावर 2 इक्वल 4 कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, अगर ए के पावर एम हो और बी के पावर भी एम हो, दो अलग अलग वास्तविक संख्या हो लेकिन पावर सेम हो, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करके दोनों का पावर लगा देते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, 2 के पावर 3 हो और 4 के पावर भी 3 हो, तो हम क्या करेंगे, 8 का पावर 3 कर देंगे। ये हमारा आंसर होगा।